Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are preparing for CAT 2023 exam, because in this video, I'm going to discuss CAT 2020 actual quants questions of slot 2. So guys, ये part 1 है. Part 2 इसके बाद आएगा, इसमें और questions आएंगे slot 2 के. आज हम लोग कुछ questions करने वाले हैं. तो guys, अब time कम है आपके पास, CAT आने वाला है 20 days मान लो आप. तो guys, इस time पे आपको at least 3 से 4 साल के CAT के PYQs देखने चाहिए. हम लोग के चैनल पे लास्ट 2 साल के कैट की PYQs ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है? तो ये लगातार वीडियो चलते रहेंगे. तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग चैनल पे कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियोस आते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स हैं, इनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, प्लस व्हाट्सएप चैनल यू कैन फॉलो फॉर अपडेट्स. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से. द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल इज 90. द एरिया टी ऑफ द ट्रायंगल एंड एरिया आर ऑफ द रेक्टेंगल both in centimeter square satisfies this relationship. Area of rectangle is equal to triangle ka square area ke. The sides of rectangle are 1:3. Ek triangle ki agar sides 1:3 form mein to ab kya manoge? Uska breadth x hai, uska length 3x hoga. Hame nikalni longer side of the rectangle. Humko 3x ki value nikalni hai bas. Guys, equilateral triangle jo aapka hota hai uski sari sides barabar hoti hai. Agar let each side be a, to perimeter hamara 3a ho gaya. प्लस रेक्टेंगल का पेरीमीटर मान ले क्या होगा, अगर साइड्स एक्स एंड थ्री एक्स हैं, टू टाइम्स एल प्लस बी, ये मेरा हो गया 8x, ये बराबर हो गया पूरा 90 के. पहली इक्वेशन. अब गाइस एरिया क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ किसके बराबर होगा, ये एरिया और ट्रायंगल के स्क्वायर के बराबर. एरिया और ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो रिलेशन देखो क्या आ रहा है इसमें, 3a की पावर 4 अपॉन 16, 3 3 कट गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 4 अपॉन 16. एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4. तो यहां से आपने ये रिलेशन निकाल लिया. अब आपको बेसिकली 3x चाहिए, तो आपको x की चाहिए वैल्यू. आपको x पता है, x इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4 है, तो इसको यहां रख दो जरा. जैसे आपको a में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, 3a + 8 into a² / 4 मतलब 2a² - 90 = 0. तो बेसिकली आपको इसके क्वाड्रेटिक बनानी है. तो ये गाइस कैसे करेंगे, 92 - 180, -180 को ऐसे ब्रेक करो कि सम 3a आए सम एंड प्रोडक्ट आए -180, 15 into -12, सम आ रहा है 3, प्रोडक्ट आ रहा है ये. वैसे इसका शॉर्टकट भी कर सकते हैं, बट क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होगा, 2a कॉमन ले लिया a-6, फिर 15 कॉमन लिया a-6 = 0. तो आपके फैक्टर्स आ गए a + 15 and a - 2a + 15 and a - 6 = 0. अब गैस a क्योंकि साइड है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, यहां से आपका a आएगा -15/2, ये नहीं लेंगे हम लोग a - 6 को 0 करेंगे, a मेरा 6 आ जाएगा. एक बार आपको a मिल गया 6, आपको निकालना है 3x, तो a को यहां रखो 6, x आ गया कितना 36/4, दैट इज 9. अगर x आपका 9 है तो 9 रख दो यहां पे x को, बस 27 इज द आंसर. ठीक है, तो वो लेंथी क्वेश्चन था मान सकते हैं, बट कंसेप्चुअली टफ नहीं था. इक्विलेटरल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया पेरिमीटर की बात हो रही है, ये सब नॉर्मल बातें हो रही है, ठीक है? इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कैट में आप, ठीक है? प्रैक्टिस अगर ठीक से कर रखी है तो कर सकते हो, कोई बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है. इन मे जॉन बॉट द सेम अमाउंट ऑफ राइस एंड सेम अमाउंट ऑफ वीट एज ही हैड बॉट इन अप्रैल. मतलब अप्रैल में उसने कुछ अमाउंट ऑफ राइस एंड वीट लिया होगा, वही सेम अमाउंट दोनों का मे में भी लिया उसने. क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना. बट स्पेंड ₹150 मोर ड्यू टू प्राइस इंक्रीज ऑफ राइस एंड वीट बाई 20% 12%. बट उसने जितना टोटल अमाउंट मे में लगाया वो 150 ज्यादा था अप्रैल के अमाउंट से. क्यों ज्यादा था, क्योंकि राइस एंड वीट का पर केजी का यू कैन से प्राइस इंक्रीज हो गया बेसिकली 20% 12% से. इफ जॉन हैड स्पेंट ₹450 ऑन राइस इन अप्रैल, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन वीट इन मे. गाइस स्टेप बाय स्टेप करो ना गलती हो जाएगी. आप मानो अप्रैल की बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ये आपका राइस है, ये आपका वीट है. क्वांटिटी क्या है आपकी राइस की, आपने एक्स लिया होगा, वाई लिया होगा, आपका प्राइस रहा होगा पी एन क्यू मान लो, ठीक है?
तो टोटल आपने स्पेंड कितना किया होगा यहाँ पे, एक्सपी प्लस वाई क्यू, अप्रैल में आपने इतना स्पेंड किया होगा, एक्स क्वांटिटी राइस इंटू पी प्राइस पर केजी, तो टोटल राइस इतना पे किया आपने, टोटल वीट किया आपने इतना पे किया, तो टोटल अमाउंट स्पेंड आपने इतना किया है। अब अगर मे की बात करें तो क्वांटिटी जो है मई में और अप्रैल में सेम है दोनों की, तो ये भी आपका एक्स सही है, आपका वाई है, बट प्राइस बोला गया है 20% से राइस का बढ़ गया एंड 20% से बीट का बढ़ गया, तो जो पहले पी था वो कितना हो जाएगा 1.2 पी, इसको प्राइस मान लो, पी आर आई सी कर लो, ये क्या हो जाएगा क्यू आपका हो जाएगा 1.12 क्यू, तो ये टोटल कितना स्पेंड किया आपने मई में, 1.2 XP प्लस 1.12 Q Y, इतना स्पेंड किया, ठीक है, ये आपका स्पेंड एक्सपेंडिचर है। अब गाइस 150 मोर है क्योंकि, तो इसको आप माइनस करो, ठीक है, तो आपका बोला गया जितना आपने मई में स्पेंड किया वो 150 ज्यादा है इससे, तो दिस माइनस दिस करो, तो 1.2 XP माइनस XP कितना आएगा 0.2 XP, 1.12 QY माइनस QY कितना आएगा 0.12 YQ, ये बराबर है 150 के। बस इफ जॉन हैड स्पेंट 450 ऑन राइस इन अप्रैल, गए चाहो तो उसको आप ठीक कर सकते हो डेसिमल में, ये तब ऐसे लिख सकते हो उसको 20 XP प्लस 12 YQ इक्वल टू 15,000। आपको दिया गया है जॉन हैड स्पेंट 450 ऑन राइस इन अप्रैल, राइस कितना है, राइस एक्स इंटू पी है, मतलब एक्सपी की वैल्यू आपको दी गई है 450, यहां रख दो एक्सपी कितना आएगा 9,000 प्लस 12 YQ स्क्वल टू 15,000, ये वहां जाएगा 12 YQ स्क्वल टू आ गया 6,000, YQ आ गया आपका 500, YQ हमारा एक्चुअली क्या है, YQ मेरा है पूरा एक्सपेंडिचर ऑन वीट अप्रैल मंथ का एक्चुअली, बट आपको निकालना क्या है हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन वीट इन मे, ठीक है, मे में आपको 1.2 YQ की वैल्यू निकालनी है, आपको इसकी निकालनी वैल्यू, आपको YQ अगर 500 दिया है तो 1.2 × 1.12 × 500 कर दो, बस कितना आएगा 500 प्लस 60, 560 इज द आंसर। तो गाइस स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, कैट है देखो गाइस, एक एक क्वेश्चन से आपका परसेंटेज बहुत तेजी से बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं समझा रहे हैं तो हमको टाइम लग रहा है, अगर आप करते चले जाओगे स्ट्रक्चर में तो आपका 1 से 1.5 मिनट में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस मैं बताऊंगा आपको आगे जाके कैसी आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये माइंड में रखोगे आपको सारे के सारे क्वेश्चन सही करने की जरूरत नहीं है, 22 के 22 11 क्वेश्चन सही कर दोगे 99 से नीचे आ ही नहीं सकता क्वांट्स में, ठीक है, तो मतलब आप आइडियली 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आते हो ना तब भी आपका 99+ आ जाएगा, तो आप ये सोच के रखो, इन ए कार रेस कार ए बीट्स कार बी बाय 45 किलोमीटर, कार बी बीट्स कार सी बाय 50 किलोमीटर एंड कार ए बीट्स कार सी बाय 90 किलोमीटर, ठीक है। वैसे वो यहाँ पे क्या टोटल लेंथ कार रेस की एल है, ठीक है, जितनी देर में ये कार ए एल चलेगी उतनी देर में कार बी कितना चलेगी 45 L-45, ए इज टू बी क्या है एल इज टू L-45, बी इज टू सी क्या है, जितनी देर में कार बी एल चलेगी उतनी देर में कार सी कितना चलेगी L-50, एल इज टू L-50 एंड कार ए बीट्स कार सी बाई 90, अगेन वही चीज कर लो ए एल सी का, जितनी देर में एल उतनी देर में L-90। अब गाइस इन दोनों से आप इसे कंपैरिजन कर सकते हो ए बाई बी वी बाई सी, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ए बाई बी कुछ दिया है और बी बाई सी दिया है, आपको ए बाई सी निकालना, क्या करोगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना दोनों को, तो क्या हो जाएगा एल अपॉन L-45 × L-50, मतलब ए बाई बी इंटू बी बाई सी इक्वल टू ए बाई सी बराबर होगा L-L-90, यहां से एक एक एल कट गया, तो आप क्या करोगे इसको उधर ले जाओ इसको उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो L²-90L = L-45 × L-50, इनको सॉल्व करना है आपको।
L square minus 50L minus 45L minus 95L plus ये कितना आएगा 45 into 5 2250 ये कट गया आपका, ये वहां चला जाएगा 5L is equal to 2250 5 4 450 is the answer. बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस ये, मतलब आ सकता है इवन ये स्नैप में भी आ सकता है, जिसने रेसेस की नॉलेज ली हो कर लेगा आराम से, ठीक है. जॉन टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज जैक टू फिनिश द जॉब. पूरा पूरा नाम लिखना गाइस, जे मत लिखना गलत हो जाएगा. जैक को लग रहा मान लो एक्स डेज, जॉन को कितना लगेगा 2x days. जैक एंड जिम, अब जिम कोई नया है, टुगेदर टेक्स 1/3 ऑफ द टाइम टू फिनिश द जॉब देन जॉन टेक्स वर्किंग अलोन. मतलब कोई जिम बंदा है उसको मान लो ए टाइम लग रहा है, तो जैक एंड जिम को जो टुगेदर टाइम लगता है वो क्या है, वो जॉन के 1/3 है, 2x/3 लगता है, ठीक है, इन दोनों का साथ में जो लगता है. तो कैसे लगेगा, 1/x + 1/a इन टू 2x/3 इक्वल टू 1 हो गया. तो 1/x + 1/a इक्वल टू 3/2x, ये वहां भेज दो तो 1/a इक्वल टू आ गया 3/2x - 1/x. 1/a इक्वल टू आ गया 1/2x, a आ गया आपका 2x. तो आपका मतलब जो बंदा जिम है इसका भी आपको आ गया 2x. अब क्या दिया गया, जॉन टेक्स 3 days मोर देन दैट टेकन बाई 3 ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, ठीक है. तो तीन जो तीनों लोग हैं जैक जॉन एंड जिम, इन तीनों को टाइम कितना लग रहा है टोटल साथ में अगर काम करें वो देखो, 1/x + 1/2x + 1/2x इंटू डी स्क्वायर टू 1, इनके साथ तीनों को साथ करने का टाइम निकालो. ये 1/2x / 2x, इसको आप 2x कर दो, ऊपर 2 नीचे 2, 2 3 4, बेसिकली 4/2x (d = 1). तो सब तीनों साथ में काम करेंगे, x/2 टाइम लेंगे. तो आपको यही तो बोला गया है कि जॉन टेक्स 3 days मोर, तो जॉन जो ले रहा है 2x, जॉन का और तीनों का साथ का काम का डिफरेंस 3 days है, ये बोला गया है. तो क्या हो जाएगा, 3x/2 = 3, x आ गया 2. In how many days will Jim finish the work? Working alone. Jim का 2x है, तो 2 2 = 4 आ गया. पूरा आपका क्वेश्चन बस कंसेप्चुअल था, और ऐसा कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में कि आप नहीं कर पाओ, मतलब कंसेप्चुअल ही बोलेंगे, पूरा मैकेनिकल था पूरा क्वेश्चन. Let mth and nth terms of geometric progression be 3/4 and 12, respectively. If common ratio of the progression is n integer r, the smallest possible value of r plus n minus m. आपको ये निकालना है. तो गाइस tn term geometric progression में क्या होता है, mth term क्या हो जाएगा, tm आपको 3/4 दिया है, तो ये किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म अगर a, कॉमन रेशियो r है, a इंटू r की पावर m माइनस वन. tn क्या होगा, ये 12 दिया गया है, a इंटू r की पावर n माइनस वन, ठीक है. तो गाइस हम क्या करते हैं, हमको ये बेसिकली ये दो चीजें दी गई, तो हम सेकेंड बाई फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है. जब ये करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन ए आर की पावर एम माइनस वन इक्वल टू 12/3/4. ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 16. ए कट गया, आर की पावर एम माइनस वन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर की पावर यह आपका हो जाएगा ऐसा n माइनस एम स्क्वल टू 16. अब गाइस आपको बोला गया r इंटीजर है, तो r प्लस n माइनस एम की स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो काफी जल्दीबाजी में क्या करेंगे, r को 4 ले लेंगे, मतलब 16 यहाँ पे है तो सोचेंगे 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर समझ लेंगे वो, ठीक है, स्मॉलेस्ट के लिए. तो आप बोलोगे कि r आपका 4 है और n माइनस एम आपका 2 है, क्योंकि ये आपका 2 हो जाएगा ना, अगर इसको आप 4 स्क्वायर लोगे, आप बोलोगे r 4 n माइनस एम 2, तो आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे 4 + 2, आप 6 लिख के चले आओगे. बट गाइस क्योंकि r इंटीजर है, पॉजिटिव तो बोला नहीं गया, ठीक है, तो आप r को नेगेटिव लेके चलो ना,
अगर आप ऐसे तो, क्योंकि 16 हमारा ये भी हो सकता है माइनस फोर का स्क्वायर, तो अगर आप 16 को माइनस फोर का स्क्वायर ले लो तो इसमें आपका आर आ जाएगा माइनस फोर, एन माइनस एम आ जाएगा टू। तो आज आप ऐड करोगे इन दोनों को माइनस फोर प्लस टू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ रही है, माइनस टू आ रही है इसमें, ठीक है। क्योंकि इंटीजर होना चाहिए तो आपको ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, आप इसको और तरह से भी कर सकते हो, 16 की पावर 1, ठीक है, इनकेस आप 2 की पावर 4, बट उससे आपका स्मॉलेस्ट नहीं आएगा। आपका स्मॉलेस्ट कब आएगा, जब इसको आप माइनस फोर की पावर 2 लोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस टू आंसर आएगा आपका, आर आपका माइनस फोर हो गया, एन माइनस एन टू हो गया, तो माइनस फोर प्लस टू इज माइनस टू। इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 102, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस। तो गाइस ये क्वेश्चन है, आप एक चीज देखो बस सिंपल सी, इसको जब थोड़ा सॉल्व करोगे आप, ये आपको ऐसे मिलेगा, वन प्लस एक्स वन प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब गाइस इसको अगर आपको मिनिमाइज करना है तो इन जनरल नीचे प्रोडक्ट है, किसी चीज का सम दिया हो और आपको इसको मिनिमाइज करना है, तब ये मिनिमम कब होगा, जब नीचे वैल्यू जितनी बड़ी उतना अच्छा है, ये स्मार्ट अप्रोच है। तो नीचे वैल्यू जितनी बड़ी उतना अच्छा है आपके लिए, तो बड़ी से बड़ी कब होगी, दो वैल्यूज का सम दिया हो प्रोडक्ट का मैक्सिमम होता है, जब वैल्यूज आर एज क्लोज एज पॉसिबल, तो आप एक्स इक्वल टू वाई कर दो, एक्स इक्वल टू वाई जब आप करोगे तो आपको दोनों वैल्यू क्या मिलेंगी, 51 मिलेंगी, ठीक है। तो 51 इंटू 51 नीचे आ जाएगा, मतलब एक्स एंड वाई को 51 रखना है आपको, तो 2601 इंटू 52 इंटू 52 अपॉन 51 इंटू 51, और 51 इंटू 51 2601 होता है, ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा 2704 अराउंड। तो बहुत ज्यादा माइंड नहीं लगाना है, बस देखो कि आपको ओवरऑल मैक्सिमाइज करना है नीचे क्या आ रहा है। और ये चीज कैसे आई, 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, हमने इसको एलसीएम लिया है, एक्स वहां गया, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, वाई प्लस वन अपॉन वाई, ऐसा, ठीक है। तो मैक्सिमम केस में आपको इक्वल करना होता है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, बट स्टिल द वैल्यू ऑफ लॉग ए बाई बी टू द बेस ए प्लस लॉग बी बाई ए टू द बेस बी। इसको अगर सॉल्व करते हैं एक बार, इसको अगर आप ध्यान से करो, एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी है, ठीक है। तो गैस ये आपका वन हो गया, ये आपका वन हो गया, तो टू माइनस क्या हो रहा है, ये लॉग ए बी प्लस लॉग बी ए, ठीक है, ऐसा हो रहा है, लॉग ए टू द बेस बी टू द बेस ए प्लस ए टू द बेस बी। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, बेस सेम कर दो तो वन अपॉन हो जाएगा। तो कैसे वही चीज हो गई ना, ध्यान से देखो, अगर इसको आप एक्स प्लस वन बाई एक्स वाला केस हो गया ना, और एक्स प्लस वन बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस वन बाई एक्स की मिनिमम वैल्यू होती है टू, है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर टू है और टू माइनस टू टू से बड़ा होता जाएगा, तो ये मैक्स ये टू हो सकता है आपका, तो ये आपका जीरो हो सकता है, ये पूरा फंक्शन आपका है तो जीरो हो सकता है, जीरो से और छोटा होता जाएगा ये, ठीक है। तो क्या नहीं हो सकता है, ये आपका वन नहीं हो सकता है ना, जीरो हो सकता है, जीरो से आगे निगेटिव भी हो सकता है, बट वन नहीं हो पाएगा ना ये, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू ही टू है। टू जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे इस फंक्शन को, थ्री फोर फाइव करोगे तो ये टू माइनस थ्री माइनस वन, टू माइनस फोर माइनस टू, माइनस में जाएगा, तो मतलब जीरो से लेकर माइनस छोटा जाएगा। इधर से पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, पूरे फंक्शन का मैक्सिमम जीरो, ऐसा मान सकते हो आप, तो आपका वन नहीं हो सकता ना, वन आंसर है आपका, कैन नॉट बी इक्वल। Aaron bought some pencils and sharpeners, spending the same amount of money as Aaron. Aditya bought twice as many pencils and 10 less sharpeners. ठीक है, तो गाइस बहुत ध्यान से रखना। Aaron bought some pencils and sharpeners. पहले हम बात कर रहे हैं Aaron की। ये pencils हैं, ये sharpeners हैं। ठीक है, आपके मान लेते हैं आपके x pencils हैं, y sharpeners हैं। ठीक है, spending the same amount of money as Aaron. Aditya bought मान लेते इन्होंने अमाउंट स्पेंड किया है ए एंड बी, यहाँ पे क्वांटिटी की बात है, यहाँ पे अमाउंट की बात है। ठीक है, क्वांटिटी एक्स एंड वाई है, अमाउंट आपका ए एंड बी है, कहीं ऐसे नहीं लिखोगे एग्जाम में गलत हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो गाइस टोटल कितने स्पेंड कर रहा है ये आदित्य, एरॉन सॉरी, अभी आदित्य की बात नहीं है, ये स्पेंड कर रहा है एक्स ए प्लस वाई भी स्पेंड किया इसने। एक्स पेंसिल्स भी वाई शार्पनर्स भी है, एक पेंसिल ए की है एक पेंसिल एक शार्पनर बी का है। टोटल अब कितना पैसा लगाया एक्स ए प्लस वाई भी, ये अराउंड का खर्चा है। अब आदित्य की बात करें, आदित्य बॉट ट्वाइस एज मेनी पेंसिल्स एंड 10 लेस शार्पनर्स, ट्वाइस एज मेनी पेंसिल्स 2x एंड 10 लेस शार्पनर्स, ठीक है सॉरी गाइस क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अमाउंट इसका कितना है, इफ द कॉस्ट ऑफ वर्क शार्पनर इज टू मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन शार्पनर इज टू मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ठीक है। पेंसिल की कॉस्ट हमने ए मानी थी, तो आप शार्पनर की कॉस्ट मान लो ए प्लस टू, यहां पे दे दिया गया डेटा, ठीक है। देन द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट बाय एरॉन एंड आदित्य टुगेदर, ठीक है गाइस, यहां पे क्या हो जाएगा, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑफ मनी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट चीज क्या है, दोनों का टोटल अमाउंट सेम है। यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखो तो क्या होगा, एक्स ए प्लस वाई इंटू ए प्लस टू, ये इसका टोटल हुआ इज इक्वल टू टू एक्स ए प्लस ए प्लस टू इंटू वाई माइनस टेन, ये हो गया आपका, तो इसको इधर भेज दो, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, तो ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा और रीराइट कर ले रहे हैं, ये आपका हो जाएगा सेकंड वाला, इस लाइन को फिर से इक्वेट करते हैं, टू एक्स ए प्लस वाई इंटू ए प्लस टू माइनस टेन इंटू ए प्लस टू, ऐसा। अब ये वाई इंटू ए प्लस टू कट गया, ठीक है, और ये टू एक्स से वहां भेज दो, तो माइनस एक्स ए इक्वल टू माइनस टेन टाइम्स ए प्लस टू, ये आपका माइनस माइनस कर गया, ऐसा बोल दो आप, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, आपका ऐसा कुछ हो गया एक्स ए स्क्वल टू टेन ए प्लस ट्वेंटी, ठीक है, उधर भेजो उसको, ए कॉमन लो, एक्स माइनस टेन स्क्वल टू ट्वेंटी, ए स्क्वल टू आ गया ट्वेंटी अपॉन एक्स माइनस टेन। वैसे आपको करना क्या है, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पेंसिल्स बॉट बाय एरॉन एंड एडिट टुगेदर, हमको मिनिमम मिनिमाइज कैसे करना है, हमको 3x को मिनिमाइज करना है, तभी हमने a इक्वल टू x के फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये मिनिमम क्या हो सकता है। हमको a इंटीजर चाहिए 20 अपॉन x माइनस 10, ऐसा कुछ x लाओ जिससे a इंटीजर आ जाए मिनिमम। x क्या हो सकता है मिनिमम से मिनिमम, 11 हो सकता है x, x आप बोलोगे 15 भी हो सकता है, बट 15 करोगे तो मिनिमम नहीं आएगा ना उससे वो, ठीक है, हमको मिनिमम चाहिए x, ठीक है। x 11 में काम चल जाएगा मेरा, जब x 11 रखेंगे तो a मेरा 20 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स इलेवन अगर आया वो, क्योंकि 11 के बाद बढ़ाओगे तो एक्स बढ़ता जाएगा, बट हमको 3x मिनिमम चाहिए ना, एक्स एक्स इलेवन लिया हमने, हमारा ए आ गया 20, ठीक है इंटीजर आ रहा है, तो यहाँ रखते एक्स इलेवन, 33 इज द आंसर। अच्छे क्वेश्चन है गाइस, अच्छे से प्रैक्टिस होना जरूरी है, और प्रैक्टिस से ज्यादा क्लीन एंड नीट, नीट एंड क्लीन लिखना जरूरी है। चलो चलते हैं, दो क्वेश्चन बचे अभी और। फॉर रियल नंबर एक्स द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, नीचे ले जाओ ऐसे आ जाएगा ये, जब x अंदर जाएगा नीचे ले जाओ अंडर रूट के अंदर, ये ऐसा आ जाएगा कुछ, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको मैक्सिमम वैल्यू उसकी निकालनी है, ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला पार्ट अंदर वाला पार्ट मिनिमम होगा, मतलब आपको इधर से वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है। और क्या साफ साफ दिख रहा है कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का मैक्सिमाइज होगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, सॉरी इसको आपको मिनिमाइज करना है ना, पूरे को आपको मैक्सिमाइज करना है, इसको मिनिमाइज करना है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है टू। ये कैसे होती है, ए एम जी एम से होती है। आपका क्वेश्चन था इस पूरे फंक्शन को मैक्सिमाइज करो, आपने एक्स नीचे भेज दिया, तो नीचे वाला पार्ट जो है वन अपॉन समथिंग, तो नीचे वाला पार्ट जितना मिनिमम होगा पूरा फंक्शन उतना मैक्सिमम होगा, तो नीचे वाले अंडर रूट वाले पार्ट को आपको आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू होती है टू। ये कैसे आती है, ये आती है ए एम जी एम इनइक्वालिटी से, ऐसे आ रही है। है ना, काफी लोगों को पता होगा टू गैस, इसकी मिनिमम वैल्यू टू आ गई, तो आंसर क्या आ गया, वन अपॉन टू, वन अपॉन टू टू इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये आंसर आ गया इसका।
छोटे मोटे टाइपोस को इग्नोर करना, ठीक है। A sum of money is split among Aman, Sunil, Mitra so that the ratio of their shares of Aman and Sunil is in the 3:2, while the ratio of shares of Sunil and Mitra is 4:5. ठीक है। If the difference between the largest and smallest share of smallest of the three shares is 400, then Sunil का share क्या होगा? बिल्कुल proper ratio का question है ये। So guys यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोगों का आपको दिया गया है अमल एंड सुनील 3:2 है, सुनील इज टू मित्रा 4:5। तीनों कंबाइन कैसे करेंगे? बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको अगर डिफरेंस दिया, पहले तीनों का कंबाइन करो, ए एस एस एम। क्या करेंगे? शॉर्टकट, कॉलम मल्टीप्लाई, डायगनल मल्टीप्लाई, अदर कॉलम मल्टीप्लाई। तो आपको गाइस यहां पे क्या मिलेंगे? आपको तीनों के शेयर्स का रेशियो मिल गया 12:8:10, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 से डिवाइड करके, इवन क्योंकि आ रहा है 6:4:5। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो अमल का शेयर 6x, सुनील का 4x एंड एम का 5x। अब डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज शेयर्स इज 400, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन दोनों का। 6x माइनस 4x आपको दिया गया 400, 2x आपको दिया है 400, तो x आपको दिया है 200। एक्स आपका 200 है, सुनील का शेयर निकालना है आपको, 4x से निकालनी वैल्यू। सुनील का शेयर कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 800 इज द आंसर, बस सिंपल सी बात। ठीक है गाइस, तो ये चीज है 6x 4x 5x, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट डिफरेंस 400, तो 2x आपका 400, x आपका 200 आ गया, x 200 आ गया, फिर आपको जो निकालना हो वो निकालो। काफी लोगों जिनका कैट में लग रहा है हो नहीं पाएगा, काफी लोगों को डाउट आ रहा है, तो आप स्नैप एंड बाकी नॉन कैट एग्जाम में शिफ्ट हो जाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग सीमैट, सीईटी, एसआरसीसी, एनटीएस के बैचेस भी लगातार चल रहे हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसका, ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो। बाकी ये कोर्स आपके लिए काफी प्रॉमिसिंग रहेगा इफ यू लुकिंग फॉर स्नैप डेडिकेटेड प्रिपरेशन। लास्ट ईयर भी इसी टाइम पे लोगों ने ज्वाइन किया था एंड काफी लोगों को काफी फायदा हुआ था। बाकी गाइस ये एग्जाम टाइम है, तो कंटेंट जितना ज्यादा कंज्यूम कर पाओ उतना अच्छा है, तो हम लोग के चैनल को डेडिकेटेड वे में फॉलो करो, यहाँ पे आपको मैक्सिमम केस में कंटेंट बेस्ड वीडियो ही मिलेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कैट की मॉक्स देख रहे हो रेलिवेंट, यू कैन चेक आउट द मॉक्स, हम लोग के मॉक्स काफी रेलिवेंट है, LRDI का वीडियो सॉल्यूशन के साथ 12 मॉक्स 999 के हैं एज पर द कैट लेवल। इस टाइम पे बहुत टफ मॉक्स मत देना कि डिमोटिवेट हो जाओ, ठीक है, कैट लेवल वाले मॉक्स देना, ठीक है। बाकी ये आपने देखा होगा कॉम्बो पैक कैट एंड मैट स्नैप का 2499 का हम लोग का है, सारे मॉक्स रेलिवेंट है, एंड मैट स्नैप के मॉक्स 1899 के। सो गाइस ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। गाइस मैं कैट की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अलग से, जहां पे कैट के PYQs के सारे वीडियो कलेक्ट हो जाएंगे, तो आप लोग देख सकते हो। तो गाइस ये नंबर यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई डाउट हो तो। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।